भाई वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। और आज हम लोग जाएंगे नैनीताल। तो सुबह सुबह अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है और अभी हम लोग हैं जहाँ पे हम आज रात में स्टे किए थे दीदी गाँव। तो अभी हम यहाँ से ऑटो में बैठ के फिर जाएंगे बस के लिए। तो बताना कि जो पिछला वाला ब्लॉग है कैसा लगा आपको, और इस ब्लॉग में भी इस ब्लॉग को तो आपको पहाड़ वहाड़ सब देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। पूरा नैनीताल में कवर करना चाहूँगा, इतना ज़्यादा कवर करूँगा इस ब्लॉग के अंदर। तो ये है मेन हाईवे यहाँ का, और इधर जाता है गांव का रास्ता, इधर से गांव का रास्ता जाता है। तो सबसे पहले सबको जय हिंद। तो आज का ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और आज का ब्लॉग जो है बहुत एडवेंचरिंग होगा, क्योंकि इधर ठंड भी है। तो फुल शर्ट मैंने डाल लिया अभी फिलहाल, देखते हैं। जैकेट वगैरह ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, कह रहे थे जैकेट वगैरह ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी पड़ी नहीं है, पड़ती तो बताऊँगा मैं। और फिर पैरता पहनना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। भाई अगर आपको नैनीताल घूमना है तो मई और जून बेस्ट होता है यहाँ पर। मई जून कहते हैं कि लोग जाते हैं घूमने के लिए ज़्यादा, तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मई और जून में आएँ तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा घूमने के लिए भी यहाँ पर। क्योंकि हम तो थोड़ा लेट से आए हैं यहाँ पे, और इस टाइम बारिश का माहौल है, तो इस टाइम लैंडस्लाइड होती रहती है उस साइड में, इसलिए घर वाले लोग मना भी कर रहे थे, लेकिन अब हम आए तो भाई जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग घूमना आना है नैनीताल, ज़्यादा से ज़्यादा घूमना चाहते हैं बिना किसी खतरे के, तो आप लोग आ सकते हैं जून, मई और जून में। हरियाली है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। और यहाँ पे जो है किसान के लिए दिया गया है, 40 वर्षों से किसानों की आय वृद्धि में कार्यरत, ये सब दिया गया है किसानों के ऊपर। नैनीताल है तो नैनीताल ही इतना बड़ा है कि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें घूमने वाली है, इतनी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी नहीं, वो आते हैं मई और जून में। तभी तो 2 साल से लॉकडाउन था, तो इस कारण थोड़ा वहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन कम है, लेकिन अब सब चालू हो चुका है वहाँ पर। तो अगर आप लोगों को घूमने आना है तब मई और जून में आए कभी भी। अगर नैनीताल, नैनीताल में बहुत सी चीज़ ऐसी है जो आप लोग देखने जाएंगे, अगर आप लोग एक ब्लॉगर तो आप लोग भी उसे आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसा होता है वहाँ का हमारा टूर आज का, और कहाँ तक मैं कवर कर सकता हूँ इस ब्लॉग में, जितना कवर कर सकता हूँ। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार छोटा छोटा ज़्यादा पाल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी ब्लॉगिंग ना करूँ, 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तो भाई बस बैठ चुके हैं हल्द्वानी के लिए, और हम जाएँ यहाँ से हल्द्वानी, 1-1.5 घंटे लगेंगे वहाँ जाने में, वहाँ हल्द्वानी पहुँचूँगा, उसके बाद वहाँ से बस लगेगी नैनीताल के लिए। पहले जाएंगे हल्द्वानी, तो हमें 1-1.5 घंटे में मिनिमम लग जाएगा। और यहाँ आवाज़ मेरी शुरू आ रही है क्योंकि आवाज़ दूसरी तक बहुत ज़्यादा है, मैं वहाँ उधर से आपसे बात करता हूँ। स्टार्ट हो गया है, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा पहाड़ी पहाड़, तो देखो तो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई, हरे हरे सामने दिख रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, और आपको दिख रहा होगा पहाड़ थोड़े थोड़े, देखो बस के अंदर। अभी भी नैनीताल में पहुँचा नहीं हूँ भाई पूरा, अभी स्टार्टिंग है हल्द्वानी में हूँ अभी, जहाँ सौरभ जोशी भाई हमारे रहते हैं। तो और देख सकते हो सामने पहाड़ का व्यूज, मैं उंगली दिखा रहा हूँ, देखो आप सामने देखो कितने हरे हरे पहाड़ हैं, दिख रहे हैं आपको, देख सकते हो। और क्या होता हूँ अब अंदर से खुशी अलग ही आ रही है, कुछ अलग से ही फील हो रहा है कि हाँ अब आया, अब आ रहे हैं थोड़ा अच्छा सा फील। और मैं चाहूँगा इस ब्लॉग में कि आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय कीजिए इसे, आप लोग भले यहाँ पे हैं ना, लेकिन मैं जितना ज़्यादा कवर कर सकूँ करूँ, जितने हो सके उतना कवर करूँगा, ठीक है। अभी हम आ चुके हैं काठगोड़ा में स्टेशन पे, तो आप लोग बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, काठगोड़ा एक्सप्रेस जो आती है, एक्सप्रेस ये डायरेक्ट यहीं आती है, यही स्टेशन है काठगोड़ा साइड में,
काठगोड़ा स्टेशन इधर ही अंदर है, तो अगर आप लोग आना चाहें तो काठगोड़ा स्टेशन, काठगोड़ा एक्सप्रेस चलती है, उससे भी आ सकता है अगर आप दिल्ली भी आ जाए, कहीं से आ जाए तो। और मैं आपको पहाड़ इंजॉय कीजिए, आप इंजॉय कीजिए पहाड़, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी पहाड़। और अभी हम नैनीताल पहुँचे नहीं हैं यार, लेकिन फिर भी तो मौसम यहाँ बहुत चेंज हो गया है, यहाँ होने लगी है। और अभी हम हल्द्वानी में हैं, तो अभी हमें लगेगा मिनिमम एक दो एक डेढ़ घंटे लगेगा जाने में, पहले आप पहाड़ को इंजॉय कीजिए। चुम रहे हैं पहाड़े, इतनी पहाड़े हैं, मेरे को बादलों को चुम रही है, अभी दिखा रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है बादल और पहाड़ एक नहीं है, देखो देखो सामने, देख रहे हो बादल और पहाड़ एक पास है भाई, बिल्कुल पहाड़ से चपके हुए हैं बादल, जैसे नदी आ रही है, बहुत ही मस्त व्यू है यार भाई, इसका कोई कुदरत का जो कहते हैं ना, जो कुदरत का बनावट भाई, उसका कोई और टोल नहीं है, जितना ऐसे कोई पैसे से खरीद सकता है, चाहे कितना भी ज़्यादा अमीर इंसान हो, इसे कोई खरीद नहीं सकता ना देख सकता है, ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, देखो इंसान इसे कभी नहीं बना सकता, अगर चाहे इंसान चाहे हमारी देख रहे भाई पहाड़ी पहाड़। और कहते हैं ना यार कि जो ऊपर वाला बनाता है कुछ अलग ही बनाता है, तो मैं ये कह रहा था, मैं आप चाहे मेरी दुनिया अपनी दुनिया, इंसान चाहे कितना भी आगे चला जाए, कितना भी आगे कितना भी डेवलप कर ले, लेकिन ये चीज़ इंसानी बस की होती है, ये जो चीज़ें कुदरत की बनाई चीज़ ये इंसान नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, बताओ अगर चाहे। और इसमें ना कोई खरीदेगा, कच्चे कच्चे पहाड़ है भाई, लेकिन ये चीज़ है यहाँ कच्चे कच्चे पहाड़ हैं, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना दिखाई देना जूम करके दिखा दूँगा, देख रहे हो आप सामने जो कितने ऊपर भाई वो घर बने हुए हैं पहाड़ के, बिल्कुल ऊँची चोटी के पास, देख रहे हो सामने, बिल्कुल सामने देखो। और यार मैं बैक कैमरे से इसलिए ज़्यादा शूट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मैं भी बस के अंदर हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा ज़्यादा मैं अपने से ज़्यादा आपको पहाड़ यहाँ के नेचर के बारे में दिखाऊँ, क्या कि नेचर कैसी है यहाँ का, जो कहते हैं ना माहौल मौसम, वो दिखाना चाहता हूँ कैसा यहाँ पर उत्तराखंड में आपको। और देखो बस में देख रहे हो, बस में जो भाई चल रही है बिल्कुल, बस मोड़ इतने तगड़े तगड़े कह रहे मोड़ है भाई, बहुत मत बहुत तगड़े तगड़े मोड़ है यार, यहाँ पे रास्ता बना हुआ है यहाँ पे बिल्कुल जंगल के बीच, एक साइड में पहाड़ फिर झरने नदी, इतना अच्छा व्यूज है भाई, इतना प्यारा व्यूज है, जब मैं आपको उतरता हूँ ना बस से, फिर मैं आपको इतना अच्छा व्यूज दिखाऊंगा ना, अगर सही में करने का सुबह सुबह यहाँ भाई, सुबह सुबह की चाय अगर यहीं मिल जाए ना तो पूछो मत, अगर ऐसा व्यूज हो सामने और चाय हो जाए क्या हो जाए, मजा आ जाएगा। देख लो इतना ज़्यादा भाई, बहुत तगड़े तगड़े मोड़ है भाई, और बिल्कुल पास पास में ही मोड़ है, बिल्कुल ऐसे मोड़ नहीं, बिल्कुल पास पास में मोड़ है यहाँ पे, मुड़ते मुड़ते पीछे आप दिख रहा होगा, बिल्कुल आपको दिखाता हूँ मैं, अब दिखेगा आपको पीछे देखूँगा लोग पहाड़, गाड़ी से उतर के आपको कहीं कहीं पर भी बीच में गाड़ी से ना उतरे,
जब तक कोई अगर अच्छा सा लोकेशन ना देख रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, वहाँ ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों वहीं रहे आप लोग ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि कहीं अकेले आप लोग ना उतरे यहाँ पे। मैं आपको ये चीज़ शेयर करने की ज़रूरत है, मैं आप लोगों को पहले भी जगह चक्कर में आप पीछे बार बार शेयर, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ है, तो यहाँ पे उस चीज़ का भी ध्यान रखते हो। बोर्ड लगाया गया हर जगह पर, हर 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पर, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोग आ रहे हैं तो ज़्यादा जहाँ जहाँ लोग खड़े हों, ज़्यादा जहाँ पे लोकेशन अच्छी हो, जहाँ पे कहते हैं ना घर वर बना हो, और जहाँ घूमने के टूरिस्ट वाले लोकेशन हो, वहाँ पे रुके आप लोग, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को इन्जॉय करें, लेकिन इन्जॉय करते समय अपने आप का भी ध्यान रखें, इस चीज़ का भी केयर रखें कि हाँ मैं भी सावधान हूँ इन्जॉय करने के लिए। ये नहीं कि आप लोग कहीं भूल जाए, मैं आपको इन्जॉय ही चेक कर रहा हूँ। अरे बाल अगर इतना खराब होता है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है कभी कभी, बाल कट लेना जी करता है कटवा दूँ, गंजा हो जाओ। नेटवर्क लगाया गया वहाँ पे, देख रहे हो तार होगा, देख मैं जूम करता हूँ फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे हो रही है भाई एक नंबर मौसम, जिसे कहते हैं ना एक नंबर, मज़ा आ गया भाई आके। जैसे समझ लो यहाँ आने के लिए भाई, अगर आप लोग मई जून में आएंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो अगर लाइफ में यार अगर कभी घर बनवाना हो तो भाई ऐसी जगह बनाओ, मैं तो अपना एजुकेशन यही कहूँगा कि भाई मैं अगर लाइफ में कभी मुझे घर बनवाना होगा ना ऐसी जगह बनाऊँगा घर। पीछे मेरे पहाड़, मेरा चेहरा थोड़ा काला आ रहा होगा लेकिन पहाड़ आपको दिख रहा होगा। तो यार एक चीज़ और है मैं बताऊँ आपको, कि चाहे आप लाइफ में कितना भी ज़्यादा यार मेहनत करें, कितना भी कमाओ, कितना भी ज़्यादा रही सोच, चाहे कुछ भी, ये कहते हैं ना जो जितना ज़्यादा कहते हैं कि अमीर हूँ मैं, ये वो, भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप लोग ऐसे जाओ तो आज कुछ इंजॉय ना करें, एज होगा कि आप लोग थोड़ा उसका अपने टाइम को स्पेंड ना करें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँगा कि अगर आप लाइफ में कभी कितना भी मेहनत करना, कुछ भी करना भाई, लेकिन दो पैसे बचा के ना ज़रूर ऐसे लोग आकर इंजॉय करना यार, कभी कभी कोई ऐसा लाइफ है तो यार उसे इंजॉय करो पूरा, ताकि जो ये ना हो सके कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, क्योंकि ज़िंदगी जो आती है ना इंसानों की एक बार ही आती है वो, तो ऐसी चीज़ों पर आके ऐसे जनरेशन में आके ऐसे कहते हैं ना कल्चर में आके उस चीज़ को इंजॉय करो, उस चीज़ को देखो क्या है ये ऐसी अगर ये कुदरत का नज़ारा यार देखने का जो मज़ा है ना वो कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी अगर आप लोग कभी कितना भी ज़्यादा कहीं भी कितनी भी ज़्यादा ऊँची पोस्ट पर पहुँच जाओ, चाहे ऊँची पहुँच बना दो, नहीं जब तक ऐसे जाओ तो आगे कल्चर में स्पेंड नहीं करूँगा अपने आप को, जब तक कुछ भी नहीं है भाई। मैं तो नहीं मानता अपने आप को, देखो मैं मेरी यही राय है भाई, मैं यही जानता हूँ कि अगर मैं 10 रुपये कमाता हूँ तो 2 रुपये बचा के ऐसे जाओ पे आगे उस पैसे को खर्च करूँ, ताकि लाइफ का ही मज़ा ले लूँ और अपना काम भी होता रहे, है ना। मैं अभी लास्ट टाइम इस ब्लॉग को ज़रूर देखना, ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही तगड़ा कहता है ना, मैंने बोला था आपसे ये ब्लॉग जो आएंगे बहुत तगड़े तगड़े और बहुत ज़्यादा ब्लॉग आएंगे और एक्सरसाइज ब्लॉग आएंगे, ठीक है, एडवेंचरिंग ब्लॉग आएंगे, एडवेंचर ब्लॉग। तो इस चीज़ को भी इंजॉय करना आप लोग, पूरे इस ब्लॉग को इन तक देखना भाई, बहुत मज़ा आएगा इस ब्लॉग में मेरे को एक नंबर। और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं करूँगा मैं, ताकि आपको बोरिंग बोर भी ना हो, जैसे कि नैनीताल ट्रिप को मेरे इंजॉय करो एंड आप लोग भी ऐसी जगह पर जाओ। तो और बेस्ट ऑफ लक एक बार यार मुझे ज़रूर, और यार अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करो यार, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ, और यार दोस्तों फैमिली के साथ भी हमारे ब्लॉग इसे शेयर किया करो हमारे ब्लॉग को, क्योंकि यार आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा, मुझे ब्लॉग शूट करने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट होगा कि हाँ चलो मेरी पब्लिक मुझे साथ देती है। तो यार आप लोग के साथ आप लोग के साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का ही मुझे प्यार चाहिए, तो आप लोग जितना ज़्यादा प्यार दिखा सको दिखाओ यार। और ये रास्ता देख रहे हो कितना ख़तरनाक कट है, और यहाँ से बिल्कुल सामने ऊपर फिर वहाँ जाके कट है और सामने पहाड़ है, इतना प्यारा भाई आ गया आज मौसम हो रहा है ना, इतना प्यारा मौसम देख रहा हूँ, तो धूप है लेकिन पता नहीं चल रहा भाई कि धूप है, यहाँ पे धूप होते हुए पता नहीं चल रहा है धूप होते हुए। और यार मैं आपको जितना ज़्यादा कवर कर सकता हूँ कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बस के अंदर तो समझ सकते हो कि कितना मौसम ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत लोग गुस्सा होने लगते हैं कि यार ये वीडियो कर रही है वो, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं इसलिए बैक कैमरे से ही कर रहा हूँ। और भी सामने देखो बादल और पहाड़ एक में ही अटैच,
बादल पहाड़ एक में अटैच हो रहे हैं, देख रहे हो, ये एक नंबर भाई। आना हो तो देख सकते हो ऐसे रास्ते नहीं बने हुए हैं, तो यहाँ पे भुट्टे बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। यहाँ के भुट्टे यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, क्योंकि लाल मिर्च लगा के देते वो लोग, तो यहाँ भुट्टे भी हम लोग सोचा है इन्जॉय करेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो झरने हैं ना भाई, पानी यहाँ में झरने हर जगह दिख रहे हैं, हर पहाड़ के 100-150 कम से कम 10 दिख गए, कम से कम अभी तक 10 दिख गया झरने। देखो यहाँ पर भी झरना है नीचे, अभी यहाँ पर नीचे झरना है, यहाँ पर अभी तुरंत दिखा रहे हैं, छोटे छोटे झरने, बड़े झरने सब दिख रहे हैं यहाँ पे, झरने पहाड़ और यहाँ कल्चर, और यहाँ पे पूछो मत, मौसम तो एक नंबर, मज़ा आ गया भाई आगे सही में। अब दिल खुश हो रहा है, ऐसा लगा कि हाँ गर्मी इंजॉय करने के लिए सही है। और देखो अगर आपको खाना वाना हो तो ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट है छोटे बड़े, तो जो आप लोग इंजॉय कर सकते हो। अभी तक तो मैं कहीं स्टे, अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि स्टे करने के लिए नैनीताल में है कि नहीं कहीं होटल वोटल, तो वहाँ पहुँच के देखते हैं कि टूरिस्ट के लिए है कि या फिर वापस रिटर्न आना पड़ता है, अल्तानी में आगे स्टे लेनी पड़ती है, ये देखना पड़ेगा। तो वहाँ चले के मैं देखता हूँ, उसको भी एक्सप्लोर करूँगा मैं आपको। तो इस ब्लॉग को मैं बहुत ही ज़्यादा इस ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, और एक्सप्लोर सारी चीज़ें जितनी मैं देखूँगा सबको एक्सप्लोर करूँगा अच्छे तरीके से। और हाँ, अगर मेरे कैमरा क्वालिटी में या फिर मेरे बोलने में कोई अगर प्रॉब्लम आती हो या फिर मेरे से कोई भूल होती, तो ये चीज़ आप लोग मुझसे बता सकते हैं कमेंट करके, या फिर देखो यार अगर आप लोग ब्लॉग अच्छा है तो लाइक करें या डिसलाइक करें, उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग डिसलाइक करते हैं तो मुझे उससे मोटिवेट मिलता हूँ, होता हूँ मैं, कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ गलती हो रही है अभी भी, तो मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग अगर कमेंट में बता देंगे कि हाँ भाई आप लोग ये चीज़ आपकी गलती है अभी, आप इस चीज़ को अच्छा डेवलप करें, तो मैं उसे कोशिश करूँगा कि मैं उसे अच्छे तरीके से और डेवलप कर सकूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर किया करिए यार कमेंट, ताकि मैं भी अंदर से मोटिवेट हो सकूं और आपको भी ये मज़ा आए थोड़ा हमारे साथ एंजॉय करने में, वीडियो देख के हमारे ब्लॉग को एंजॉय करते रहें। देखो देखो सामने देखो पानी, अभी मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा पानी आया था, अभी झरना था तो मैंने आपको भी दिखाया था, ऐसे ऐसे झरने यहाँ पे जो अभी नीचे यहाँ पे देखा ना आपने, नीचे मैं हाथ दिखा रहा हूँ, वहाँ ऐसे ऐसे झरने हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ के यहाँ पे यार अभी भी वो कहते हैं ना जो बादलों के पानी सुबह सुबह आते हैं, क्या वो शीत कुछ बोलते हैं, तो भी अभी भी है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे खेती जो है ना भाई पहाड़ों के ऊपर इतनी मस्त लग रही है यहाँ खेती ने जो हुई है भाई, एक के ऊपर पहाड़ को काट के धीरे धीरे नीचे ऐसे काट के खेती हो रही है यहाँ पे। तो जिसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको खेती में कैसे होती है, देखो यहाँ भी देखो यहाँ अंदर भाई वाटरफॉल है, यहाँ नीचे वाटरफॉल है, दिख रहा होगा आपको वाइट दिख रहा है ना वो वाइट वो पानी के स्रोत भाई, वहाँ वाटरफॉल देखो झरना वहाँ भी है। तो ऐसे ऐसे झरने आपको रास्ते में बहुत मिलेंगे, और पहाड़ में तो आप हल्द्वानी का भाई समझ लो पहाड़ी पहाड़ है, अगर आप हल्द्वानी आके स्टे करते हो उसके बाद आप लोग अब हल्द्वानी में आए तो ये नहीं कि तुरंत ही शाम को चले, देखो यहाँ भी देखो झरने देखो यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको, देख भाई 15 हो गए 15 अभी तक झरने, अभी तक अभी नैनीताल में एंट्री भी अच्छे तरीके से हुई। और यहाँ देखो पानी झरने देख रहे हो, तो वाटरफॉल तो यहाँ बहुत है, और यहाँ का जो पानी भाई बहुत प्यारी बहुत मीठा पानी है, मैंने अभी हल्द्वानी पानी पिया था बहुत भाई। अगर यहाँ पे यार बोतल खरीदने से अच्छा है आप लोग पहाड़ों का पानी पिए, जो पानी आता है ना ऊपर से गिरते झरने में उसका पानी तो और मज़ा आएगा पीने में, और वाटरफॉल आपको दिखता रहेगा। तो फिर देखते हैं लास्ट तक इस ब्लॉग को देखना यार प्लीज़ यार ब्लॉग को यार बीच में अगर आपको अच्छा है तो यार बीच में मत छोड़ा करो यार ब्लॉग को, प्लीज़ यार पूरा ब्लॉग देखा करो, बीचों को आप लोग ब्लॉग को मत छोड़ा करो, पूरा ब्लॉग देखा करो, तो आप लोगों को मज़ा आएगा कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा। पहाड़ बिल्कुल देख रहे हो बादल बिल्कुल नीचे आ गया, पहाड़ ढक गया है बादलों से पहाड़ ढक गया देख रहे हो, अब जो है बादल से बिल्कुल पहाड़ ढका पड़ा है यहाँ पे, देखो बादल जो है बिल्कुल पहाड़ पे आ गया, पहाड़ अब ढकना शुरू हो गया है धीरे धीरे। मौसम यार एकदम से चेंज हो गया है एकदम से, अभी एक मिनट के अंदर मौसम चेंज धूप खत्म बिल्कुल, देखो बादल देखो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया है, पहाड़ ढकना शुरू हो गया बिल्कुल, देखो कितने ऊँचे ऊँचे घर पे यार, जूम मैं भी करूँगा बस जैसे रुकेंगे फिर दिखाऊँ मैं कितने ऊँचे ऊँचे बिल्कुल पहाड़ की चोटी है ना भाई, इतने ऊपर ऊपर घर बने हैं यहाँ पे, सोचो वहाँ पे लोग कैसे सामान को ले आते हैं कैसे वहाँ पे रहते हैं मेरे लोग। लेकिन एक चीज़ मौसम का मज़ा फुल लेते होंगे, वो फुल मौसम का मज़ा लेते होंगे, इतना बताया भाई मुझे देख रहे हो मौसम एक नंबर भाई, यहाँ पे यार कुदरत कहते हैं ना भगवान में कुछ नहीं, भगवान अभी एक मिनट पहले भाई धूप थी अब बादल आने नीचे बिल्कुल आ गए मौसम चेंज, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड हमें लगनी शुरू हो गई है,
ठीक है। और यार हाँ, आज का ब्लॉग मैंने रक्षाबंधन वाला ब्लॉग वो भी अपलोड कर दिया है कल वाला, तो उसे भी जाके आप लोग देखें, ठीक है। तो उसे भी जाके आप लोग इन्जॉय कीजिएगा और फिर इसे भी देखिएगा। और हाँ यार, जल्दी जल्दी यार 1K करवाओ यार, सब्सक्राइब जल्दी जल्दी आप हमारे करवाओ यार, चैनल में उनकाई होने का जल्दी से। चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऐसे एडवेंचरिंग जगहों पर जाते हैं घूमने के लिए, तो फिर साथ मेडिसिन का जरूर शेयर करें। जैसे कि बॉफड़ की प्रॉब्लम होने लगती है इंसान को, सर्दी जुकाम होने लगता है, बुखार होने लगता है, तीन चीज़ों के लिए अपने साथ मेडिसिन जरूर रखें, ताकि कोई भी आपातकालीन स्थिति आए तो उसके लिए आपके साथ मेडिसिन होना जरूरी है, आपके लिए उसके लिए प्रोटेक्शन होना जरूरी है। इन चीज़ों का जरूर आप लोग कई बार वैसे ही जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग वोमिट का प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ों के लिए आप लोग इन चीज़ों का भी रखें ध्यान। तो आप लोग कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, तो ये चीज़ जरूर लेके जाए अपने साथ में, ये कंपलसरी है। और ये तो हर इंसान ले जाना चाहिए, ताकि कहीं भी जाते हो ये चीज़ ना भूलें, है ना। और अभी मौसम बिल्कुल फिर चेंज हो गया, फिर बिल्कुल धूप आ गई है, अभी बिल्कुल बादल बादल आ गए थे, फिर अब बिल्कुल भी धूप आ गई है। तो लास्ट टाइम बढ़ रही है इस ब्लॉग में, और देखते रहे इस ब्लॉग को, बादल बादल नीचे आए पड़े हैं, सकते हैं आप लोग बिल्कुल बादल आ चुके हैं, अगर बिल्कुल बादल आ चुके ढक चुके हैं, मौसम अगर चेंज है। और बस के इस साइड देखो, बस के इस साइड देखो धूप है, बस के इस साइड धूप और इधर बादल, इधर आपको बादल 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 है इधर और इधर धूप, यानी कि बस में देखो किसी बस के अंदर धूप आ रहा है, उस साइड जो लोग बैठे हैं उनमें बादल बादल दिख रहे हैं और हमें इस साइड धूप है, समझ रहे ना। तो ऐसे यहाँ पर कुदरत का मौसम चेंज होता है, वहाँ प्राकृतिक है, ये मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, आपको ये हम यार बॉमट की बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, जहाँ मेरा तक आगे बहुत ही लोग परेशान हैं, बहुत लोगों को बॉमट आ रही है ना। तो इसी के लोग जाने के, अब देखो मौसम में कुछ चेंज भी नहीं, बादल आ गए नीचे यार, एक मिनट में यहाँ बता दूँ मौसम चेंज है कहते हैं ना जी सर जी। अगर 5 स्टार हो तो 5 स्टार पूरे इस मौसम के लिए भी दिए जाएंगे सर। यहाँ पे देखो अब जो है सो ठंड जो है लगनी अच्छे तरीके से आने ऐसा लगा, जैसे कि हम नॉर्मल बता दूँ आपको, नॉर्मल लगता है ना, नॉर्मल हमारा नॉर्मल जैसे होता है, जब हमारा जैसे नॉर्मल जब हमारा फुटबॉल स्टार्ट होता है गाजियाबाद दिल्ली की साइड में, हमारे साइड में यूपी में, और यहाँ पे देखो नॉर्मल अभी भी है। यहाँ पे पेड़ पौधे और कल्चर, यहाँ की जो मिट्टी है, और हंसी आ रही यार, क्योंकि हंसी तो आ नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं आ रही, क्योंकि यार एक सीट पे 3 लोग बैठे उन तीनों को वो बता रही है वो तीनों लोग एक के ऊपर एक ही दे मारा है, एक के ऊपर एक दे मारा है उन्होंने लेकिन हंसना लीजिए सॉरी, लेकिन क्या हंसे कंट्रोल भी नहीं हो पाया इतना तगड़ा मजा आ रहा है तीनों लोग शीशा है जो है वो शीशा दिख रहा है ना, अला ऐसा शीशा है आगे, तो शीशे में तीनों एक साथ सरदार एक साथ ही वोट कर रहे थे तीनों में, एक साथ ही आ गई सॉरी मेरे मेडिसिन पड़ा है, लेकिन देता हूँ मैं देखता हूँ, अगर लेके तो देता हूँ, मैं थोड़ा मेडिसिन रहा है, क्योंकि मैंने मेडिसिन इतना कैरी करके चला था मैं, कि इन चीज़ों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज़ कैरी करके चला था ना। और हाँ, अगर आप लोग ऐसे जगह पर आते हैं घूमने ना, भाई हल्का खाना और कम खाओ, हल्का खाओ कम खाओ, ये नहीं है पूरा पेट भर के खा लो, गले तक पूरा खा लो और फिर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। बाहर यार बताओ, अच्छा मेरे गर्द इतने सिल्की बाल है ना, इतने सिल्की, कभी भी हाथ थोड़ी सी चलाई ना तुरंत हो जाएगा, देख रहा हूँ मैं तुरंत हाथ अगर मार दूंगा फिर सही हो गया ना, ऐसा है मेरा बाल ऐसा है। तो अगर आप लोग जाते हो तो भाई जो नॉर्मल दवाई होती है उनके कैरी करके चलो, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों का ध्यान रखकर कैरी करके चलाऊँगा, मेरे पास है पड़ा हुआ, क्योंकि मेरे ग्रुप में भी मेरे भाई को आ रही है, तो मैं भी दूंगा सभी दिया है, तो भी थोड़ा आराम है आप देखो, आप मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है, और फिर एक चीज़ है वो फिर देखो फिर देखो फिर धूप धूप आगे बादल
धूप आ गई भाई, बादल खत्म, फिर आ चुके धूप और अब फिर बादल खत्म हो गया। ठीक है नैनीताल, और पीछे देख सकते हो ये मेरा ताल है, तो हम आ चुके हैं नैनीताल। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, और यार दोस्तों फैमिली के साथ ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं आपसे जब तक नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद एंड बाय।